अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। ये देखें जी, ब्लैकी ब्लैकी हमारे साथ ऊपर ही सोता है एसी वाले कमरे में। तो अब ब्लैकी को लेके मैं नीचे जा रही हूँ, देखें उसको क्या हो रहा है। उसको क्या, मैं जल्दी जल्दी बस बाहर निकाले। चलो नीचे चलें, ब्लैकी नीचे चलते हैं। ब्लैकी चलो नीचे चलें, नीचे नीचे चलते हैं। चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो जी, ब्लैकी नीचे आ गया। अब इसका दरवाजा खोलते हैं। सोना के दरवाजा खोले। चलो जी दरवाजा खोलते हैं। आ जाओ बिस्मिल्लाह। है ब्लैकी बाहर आ गया, सुबह हो गई है इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ब्लैकी इधर मुँह करो। हाँ जी, सुबह हो गई है, हो गई सुबह। चलो ब्लैकी अब नाश्ता वगैरह कर ले। ये लो नाश्ता कर लो मेरा बेटा, कर लो। ये देखें जी, मैं सुबह उठी थी बच्चों को भेजने के लिए, तो मैंने किचन वगैरह साफ कर लिया था सुबह ही। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ और सफाई वगैरह करती हूँ। किचन तो मैंने साफ कर लिया था, बर्तन भी सारे धो लिए थे और बर्तनों को डांप दिया था। पता क्या, हमारे घर अब मैं चूहा आया हुआ है इतना मोटा, तो मुझे अब वहम ही लगा रहता है। मैं चीज़ों को डांपती रहती हूँ कि कहीं चीज़ों पे ना वो चढ़ चुक जाए। ये देखें, ऐसे मैंने बर्तनों को डांपा हुआ था, धोया हुए मैं सारे। अभी इनको लगाती हूँ, तो बाकी किचन तो मेरा साफ ही है। नाश्ता करके तो जल्दी जल्दी सफाई शुरू करती हूँ मैं। ये देखें, सारी चीज़ें वगैरह उठा गई थी मैं, टेबल भी मैंने साफ कर दी थी। ये देखें, गैस तो आ नहीं रही, तो सिलेंडर पे ही चाय बना लेती हूँ मैं। सिलेंडर रखा हुआ है हमने छोटा सा ना, तो इस पे ही अब चाय बना लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। ये देखें, ये सिलेंडर पे चाय बन रही है। मैं जल्दी से ये ब्रेड पे लगा लेती हूँ बटर, ये मंगवा लेती हूँ मैं। पहले तो वो आता था ब्लू बैंड हमारे घर, अब ये मुमताज़ आना शुरू हो गया। उसका तो रेट ही इतना बढ़ गया। बटर तो लगा लिया, चाय देखती हूँ बन गई है कि नहीं। चाय भी बस बन ही गई है। ये तो ये सुबह सुबह जो गैस चली जाती है ना, 10 बजे चली जाती है और 12 बजे आती है, तो रात को तो 10 बजे जाती जाती है। ये अलहदा टाइम शुरू हो गया है, फिर बड़ा मसला होता है। सिलेंडर पर भी ज़रा ना आहिस्ता आहिस्ता काम होता है। मेरे हस्बैंड को तो ये दे देती हूँ नाश्ता, नाश्ते में चावल दे देती हूँ, पड़े हुए थे। गैस तो आने गई, रोटी नहीं पक सकती, तो ये कबाब रात को बनाए थे, ये गर्म कर देती हूँ ओवन में। चलें चावल गर्म हो रहे हैं। ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और मियाँ के भी नाश्ता तैयार है, वो भी कर लेते हैं। ब्लैकी भी हमारा नाश्ता कर रहा है, काफ़ी हेल्दी नाश्ता कर रहा है। ये देखें ब्लैकी के काम देखें। चल सब मिल के नाश्ता कर लेते हैं। ये ना ब्लैकी के सिट्टे आए हुए हैं, ऐसे बांध दिए हैं। ये तो ऐसे खोल के ना, तो फिर इसको दे देती हूँ आधा आधा करके। माशाल्लाह कैसी अल्लाह की शान है, कैसे ऊपर से बंद होता है तो अंदर से इतने प्यारे उसके दाने होते हैं। ये देखें, टमाटर इतने दिनों के आए हुए हैं। सॉरी जी कलर ख़राब है मेरा। तो ये देखें नरम पड़ रहे हैं, इनका भी मैंने ना पेस्ट बनाना है, तो इनको भी आज करते हैं कुछ। इसका टाइम ही नहीं मिल रहा रोज़, तो इनकी पेस्ट बनाती हूँ। ये देखें जी हमारा ब्लैकी, इसने ना पोटियाँ कर करके पूरे घर में गंद डाला हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ ये जो है ना मास्क, इसके पैंपर लगा दूँ इसको, तो तजर्बा करने लगी हूँ। ये देखें जी, इसको पैंपर लग गया है फिलहाल, उसको बड़ी उलझन हो रही है। वो देखें वो देखें, पता नहीं अब ये टिकने भी देता है कि नहीं। ये मास्क ऐसे सुराख करके ना इसको चढ़ा के, तो ये ऊपर
गिरा लगा दिया। ये देखें, ये देखें कैसे उसको वक्त पड़ा हुआ है। तो मैं पैंपर उतार लूँ, ये देखें, ये देखें पैंपर, वो पागल हुआ पड़ा है। तो मैं गिरा खोल के इसको उतार लूँ, उतार लूँ, इतनी उलझन हो रही है उसको। ब्लैकी क्या कह रहे हो, क्या हो रहा है, बुरी बात ना ब्लैकी, रहने दो। अल्लाह, ये देखें इसने अपना पैंपर उतार ही दिया, इसको उलझन हो रही है। कोशिश कर रहा है, वो उतर गया बस। किचन कितनी बुरी हालत हो रही है ना, ये टाइलें गंदी हो रही हैं। अच्छी तरह रगड़ लेती हूँ साबुन से और स्कॉच ब्राइट लगा के ना। चूल्हा भी इतना गंदा हो रहा है, ये भी अच्छी तरह साफ कर लेती हूँ। ये देखें कूलर में पानी डालने लगी हूँ, पानी उबाल लेती हूँ मैं ठंडा करके ना। तो ये ऐसे पौनी रख के ना, तो फिर ऐसे कपड़ा रख के, तो फिर जो पानी मैंने उबाल के ठंडा किया ना, तो इस पर कूलर भर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, ऐसे भर के फिर उसमें बर्फ़ डाल लूँगी, ये रोज की ड्यूटी है मेरी। चलें जी, ये अब ये कपड़ा भी धो के रख लूँगी दोबारा इस्तेमाल के लिए, तो मैं इसमें बर्फ़ डाल दूँगी। फ्रीज़र में से सारी बर्फ़ निकाली है, तो ये सारी एक दफ़ा ही मैं सारी निकाल लेती हूँ। कुछ कूलर में डाल लूँगी, कुछ वैसे ही रख दूँगी, मोहल्ले के बच्चे आते हैं उन्हें दे दूँ देती हूँ। सफाई सारी हो गई है किचन की, किचन मैंने साफ कर ली है, सारी टाइलें भी साफ की हैं। ये पानी उबल रहा है, ये देखें ब्लैकी के काम देखें, ब्लैक की साइकिल पे चढ़ गया। हाँ जी, हाँ जी, पैंपर उतार के उसने वो मारा है और साइकिल पे चढ़ गया। ब्लैकी, ब्लैकी, हाँ जी, क्या कर रहा है बेटा, बेटा क्या कर रहा है, माशाल्लाह बेटा क्या कर रहा है। चलें सफाई कर लेती हूँ, काफ़ी मिट्टी हो रही है। ये देखो बाइक रखी होती है ना, बाइक जब अंदर बाइक लेकर जाते हैं तो बड़ी मिट्टी हो जाती है, और इसका घर भी इतना गंदा हो रहा है। सारा साफ कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ। दीवारें इतनी गंदी हो रही हैं, रात के जाले उतारे हैं, लेकिन वो ठीक से भी मिट्टी नहीं उतरी है। ये देखो जाले के ऊपर मैंने कपड़ा लगाया है दीवार साफ करने के लिए, वैसे तो मैंने जाले उतारे थे वो तो उतर गए हैं, लेकिन ना दीवारों पर मिट्टी हो रही है ये सारी, ये नहीं साफ हुई, ये मैंने वैसे कपड़े के साथ साफ हो गई। ये देखें ऐसे साफ हो रही है दीवारें। ये देखें किचन के कैबिनेट के ऊपर देखें इतनी मिट्टी हो रही है, मैं तो ऊपर चढ़ी हूँ चेयर आके शेल्फ के ऊपर खड़ी हो गई हूँ, तो ये देखें बहुत ही मिट्टी हो रही है। जाले उतार रही थी, दीवारें साफ कर रही थी, तो इतनी मिट्टी, अब ये भी सारी साफ करती हूँ मैं। ईद की सफाइयाँ कर लें भाई, ईद आ रही है, मेहमान घर उन्होंने भी आना होता है तो फिर बुरा लगता है। वैसे तो होती रहती है सफाइयाँ, लेकिन ये जो ज़्यादा डीप सफाइयाँ ये तकरीबन 6 माह बाद ही होती हैं। इतना कचरा इकट्ठा किया कैबिनेट के ऊपर से, जो कभी ना ऊपर चढ़ते हैं ना देखते हैं। आज चढ़ी हूँ जाले उतारने के लिए, तो आज मेरी नज़र पड़ी है इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा किया। चलो मिट्टी तो सारी मैंने इकट्ठी कर ली है, साफ हो गया। ये सारा कार्ड कबार कैबिनेट के ऊपर से निकला है सारा,
बस जो हाथ में चीज़ें आती हैं वो ऊपर फेंकी जाते हैं, तो मुझे तो नज़र नहीं आता। अब मैं चढ़ी हूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने उतारी हैं। फर्श की सफाई कर लेती हूँ, इतना गंद इकट्ठा हो गया। गली में रौनक लगी हुई है कुर्बानी के जानवर। टपड़ियाँ लगा रही, घरों तो लगा लिया मैंने, टपड़ियाँ लगा लेती। यहाँ रात का खाना बन रहा है। सालन तो मैंने नहीं आज बनाया, ये कल का ही परा हुआ है। आलू चिकन का मैंने सालन बनाया था, तो ये गर्म कर रही। साग रोटी बनाने लगी। चलें जी, नक्शे बन रहे हैं अब मेरे से। ये देखें रोटी कितनी प्यारी बनी है। वो लहदा बात है कि नक्शा बन गया था मेरे से, पर वैसे अच्छी पक गई है। ये देखें रोटी माशाल्लाह कैसे फूली है। चलो जी ब्लैकी, ब्लैकी आप ही खाना ले लो, ये लो रोटी खा लो। ब्लैकी हमारा खाना खा ले माशाल्लाह। घी ख़त्म हो गया रोटियाँ बनाते बनाते, साथ ही मैंने डाल दिया सारा घी। मैंने कहा साथ ही डाल दूँ, फिर बाद में जब काम करना होता है ना तो तंगी होती है। रोटियाँ बन गई हैं हमारी, अब खाना खा लेती हूँ। थोड़े से चावल लिए हैं, वो भी रात के पड़े हुए थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।